यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है कि यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है और चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थीं और सृजी गईं।